अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगाई गई रोक 15 जुलाई तक जारी रहेगी। डीजीसीए ने शुक्रवार को इंटरनेशनल एयर ट्रेवल सस्पेंड किए जाने के बारे में जानकारी दी। इससे पहले नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जून जुलाई तक शुरू की जा सकती हैं। गलवान में भारत और चीन के सैनिकों की झड़प पर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को भी केंद्र से सवाल किए। सोनिया ने कहा कि अगर हमारी जमीन चीन ने नहीं हथियाई है तो हमारे जवान कैसे शहीद हुए। राहुल ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी को सच बोलना ही होगा। कांग्रेस भाजपा में चीन के मुद्दे पर शुरू हुई बहस अब वंशवाद और भ्रष्टाचार के आरोपों पर पहुंच गई है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लगातार दूसरे दिन गांधी परिवार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यूपीए के समय प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड का पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया गया था। सोनिया पीएमएनआरएफ के बोर्ड में थी और आरजीएफ की अध्यक्ष भी थी। भारत में कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटे में 18,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। इसके बाद कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 5 लाख के करीब पहुंच गई है। देशभर में अभी तक 4.91 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत कर दी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस अभियान को लॉन्च किया गया। इस मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इस अभियान के तहत यूपी के लौटे प्रवासी मजदूरों को रोजगार का लाभ मिलेगा। यूरोप में कोरोना वायरस के इलाज के लिए पहली दवा के रूप में रेमडेसिविर को मान्यता दे दी गई है। अस्पताल में इलाज के दौरान एक मरीज जल्द ही इस दवा से ठीक हो गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पीएमएनआरएफ से राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा दिया गया। इसको लेकर उन्होंने एक डॉक्यूमेंट भी शेयर किया है। भारत चीन तनाव के बीच लद्दाख में सीमा पर दोनों सेना ने युद्धाभ्यास किया। इस दौरान भारत के फाइटर प्लेन अपनाया उम्दा प्रदर्शन दिखाया। इस युद्धाभ्यास में फाइटर और ट्रांसपोर्ट विमान शामिल हुए। युद्ध अभ्यास का मकसद दोनों सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाना था। कश्मीर के अनंतनाग जिले के बिजबेहड़ा में शुक्रवार को सीआरपीएफ की पार्टी पर आतंकियों ने फायरिंग कर दी। इसमें एक जवान शहीद हो गया और एक बच्चे की मौत हो गई। सुशांत सिंह राजपूत के पिता केके सिंह ने कहा है कि उनका बेटा 2021 में शादी की प्लानिंग कर रहा था। पिता की माने तो सुशांत के साथ उनकी आखिरी बातचीत इसी बारे में हुई थी। 14 जून को सुशांत सिंह ने मुंबई में आत्महत्या की। वे डिप्रेशन से जूझ रहे थे। अभिनेता के पिता ने एक टीवी इंटरव्यू में उनसे जुड़ी कई बातें साझा की।